नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद रोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली बहुत सुंदर है और हथेली का आकार अगर हम देखते हैं तो एक आयताकार हथेली है, और जब भी करियर का मामला हो और आयताकार हथेली हो तो मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है और शारीरिक कार्य ऐसे लोगों को कम करना पड़ता है। और ज़्यादातर मामलों में ये भी देखा गया है कि बोलने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का होता है। कुल मिला के बात करें तो सेल्स के गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली का जो कलर है बहुत सुंदर, एक सुंदरता ली हुई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीवन चाहे संघर्षपूर्ण रहे, जीवन चाहे परेशानियों से भरा रहे, लेकिन फिर भी जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे और जीवन को एक आनंदमय तरीके से जिएंगे, इस ओर ये इशारा कर रही है। हथेली में बहुत सारी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के साइन बना रही हो, चिन्ह बना रही हो। अगर बहुत सारी रेखाएं हैं आपकी हथेली में, जैसे इनकी हथेली में यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो व्यक्ति के वर्तमान समय में उलझन को पैदा करती हैं। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रगति है, उसमें रोक लगाने का ये कार्य करती हैं। आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का ये कार्य करती हैं और मानसिक तनाव बढ़ाने का काम करती हैं। और व्यक्ति का जो कार्य होता है उसमें विस्तार नहीं हो पाता है, चाहे कितने भी बड़े साइन बने हों, चाहे कैसे भी साइन बने हों हथेली में, लेकिन अगर बहुत सारी हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। हस्तरेखा के हिसाब से अति कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसका इनको उपाय करना चाहिए मैं दूंगा, आप करने की कोशिश करें। अगर हम देखें तो हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और हमारी कुंडली में भी दो आचार्य बैठते हैं। वो किस भाव में बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं, उनके विश्लेषण करके पता चलता है। हथेली में उंगलियां हैं जो हमारे, इनके नीचे के भाग को हम पर्वत कहते हैं। और आपने देखा होगा कुंडली में भावों में अंक के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होता है उसी के अनुरूप परिणाम देता है। और यहाँ पे इसकी दशा देखी जाती है कि ये उभरा हुआ है, इसका कलर कैसा है, ये बैठा हुआ है या इसमें कौन से साइन बन रहे, उस हिसाब से जो है इसके फल प्राप्त होते हैं। दो आचार्य हैं, ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग को हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये गुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, और गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। तो ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। अगर हम अंगूठे के नीचे का इस भाग को देखें तो इसको शुक्राचार्य जी कहते हैं। ये शुक्र का पर्वत है, वीनस है ये, और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले दूसरे आचार्य हैं, कुल मिला के बात करें तो ये दोनों आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं। इनका अपना अपना महत्व होता है, जब ग्रहों की स्थिति पे आऊँगा तो इनके बारे में चर्चा करूँगा। चलते हैं, उंगलियों का विश्लेषण करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप सही सरल तरीके से हस्तरेखा विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो हमारी वीडियोज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन दबा लेते हैं, ऑल कर लेते हैं, तो जब भी मैं अपने चैनल पे नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है अंत तक देखिएगा, सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचा देगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। देखिएगा, जुपिटर माउंट वाली जो इंडेक्स फिंगर है हमारी तर्जनी उंगली, वो पूरी तरह से झुक रही है और बीच की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और बीच की उंगली होती है शनि की उंगली, इसका जो ये भाग है ये शनि का पर्वत है। और जब ये उंगली शनि की तरफ झुकती है
तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप में धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिडिल फिंगर सीधी खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति जो है मेहनती ज़्यादा होता है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है, और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी, इस पे ज़्यादा विश्वास रहता है, इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं ऐसे लोग। अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिंग फिंगर जो है, जिसमें आपने ये रिंग भी पहनी हुई है, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। इसके नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहता है, और इसको जो है संस्कृत में अनामिका उंगली कहते हैं। ये भी मिडिल फिंगर की तरफ मनी शनि की तरफ झुकाव लिए हुई है, और जब ये शनि की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है वो फेम पाने की होती है, धन पाने की होती है, और अपने कामों में विस्तार पाने की ज़्यादा होती है, जो आपके अंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर इन दोनों उंगलियों का झुकाव और इनका नाप देखें तो दोनों उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बीच की उंगली की तरफ है और बराबर है, ये कोई छोटी बड़ी नहीं है। तो बृहस्पति के जितने गुण आ रहे हैं, लीडरशिप के गुण आ रहे हैं, महत्वाकांक्षा के गुण आ रहे हैं, वही सूर्य के भी आ रहे हैं, हिम्मती स्वभाव के गुण आ रहे हैं, एनालिसिस के गुण आ रहे हैं, तो दोनों के गुण जो है आपकी हथेली में बराबर आ रहे हैं, आपके जीवन में बराबर आ रहे हैं। अब थोड़ा हम छोटी उंगली की ओर चलें, जिसको हम कहते हैं बुद्ध की उंगली। ये बुद्ध का पर्वत है, इस पे बनने वाली ये उंगली है, और इसको हम कनिष्ठा कहते हैं। ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब होता है दुनिया की तरह आप भी सोचते हैं, धन पाने की इच्छा आपके अंदर भी बनी हुई है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसके कारण मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कागजों के रखरखाव में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से झुकी हुई है। तो ऐसे लोगों के अंदर काम करने वालों की संख्या भी ठीक होती है, ये जो कमी है ये लोग उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करें, आप देखे होंगे ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, और ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही। सभी उंगलियाँ यहाँ पे वर्तमान समय में मिडिल फिंगर की ओर झुकती हुई दिख रही हैं, जिसमें शनि के नेगेटिव गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब शनि के नेगेटिव गुण आते हैं तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या सब कुछ जीवन में होते हुए भी खुशियों में कमी देने का काम ये शनि करता है। और विशेषतर यहाँ पे इस तरह से उठा हुआ हो तो गंभीर व्यक्तित्व तो रहता है, लेकिन बिना वजह की चिंताएं भी शनि व्यक्ति के जीवन में डालता है। ये लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से हथेली है। अब यहाँ पे देखें अंगूठा आपका जो है इस तरह से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। अगर अंगूठा पूरी तरह पीछे की तरफ झुकता है तो व्यक्ति लग्जरियस के प्रति ज़्यादा आकर्षण का भाव रखता है, ज़्यादा वो आकर्षित हो जाता है। हाँ, जीवन में उसके शुक्र की वजह से सुख सुविधाएं और लग्जरियस जीवन आता ही आता है, चमक आती है, यश बढ़ता है, वाहन का, मकान का, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, ये निश्चित है, और अच्छा है ये आपके लिए। यहाँ पे देखें तो जो पहला पौरव है नुकीला भी है, लंबा है, इच्छा शक्तियाँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैं। अगर उतनी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो आप अवसाद की स्थिति में भी आ सकते हैं, इस बात की और ये इशारा कर रहा है। सेकंड पौरव भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अंगूठे के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी हल्के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं वर्तमान समय की, तो मैंने इन विभिन्न प्रकार की रेखाओं के बारे में तो बताया है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हम चलते हैं पहले आपकी जो है रेखाओं के ऊपर। अगर आप रेखा देखो तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये बृहस्पति जी से मिलन करती हुई दिख रही है।
थोड़ा सा रिश्तों के प्रति सजग रहने की भी आवश्यकता आपकी हृदय की रेखा बता रही है। लेकिन बृहस्पति से युक्ति बना रही बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला व्यक्तित्व रहेगा, तेजस्वी व्यक्तित्व रहने वाला है, प्रेम के मामले में भी अच्छे रहेंगे, हृदय से प्रेम करेंगे, जो आपसे मन से वास्तव में जुड़ेगा। तो आपके जब बृहस्पति जी अनुकूल हो जाएंगे तो आप भी अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि स्वाभिमानी रहेंगे, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं रहने वाला है। अगर आपका जिस तरह से सूर्य है वो साइन जिस तरह से बन रहे हैं, और सूर्य भी अगर भव्य स्थिति में आता है तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक लग्जरियस जीवन, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, यह निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से राहु का प्रभाव मंगल से युक्ति बना रहा है, भूमि संबंधी कामों में, ठेके संबंधी कामों में जो है 48वें वर्ष से बहुत सुंदर रहने वाला है, इस ओर यहाँ पे इंगित कर रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखी जाए, मस्तिष्क की रेखा आपकी सीधी इस तरह से मुड़ रही है और कहीं ना कहीं जो है ये चंद्रमा से युक्ति बना रही है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, लंबी और हवाई यात्रा का मौका आपको अपने जीवन काल में निश्चित मिलेगा, मानी विदेश यात्रा के भी सुंदर योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है, वर्तमान समय में चिंतातुर स्वभाव को भी ये बता रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, मंगल का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है तो तीव्र निर्णय लेने की शक्ति मौजूद रहेगी, लेकिन बिना सोचे समझे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निर्णय न लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे अगर यहाँ पे देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं और यहाँ पे दो भागों में बढ़ती हुई दिख रही है। अगर सही तरीके से हम इसको देखते हैं तो ये इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव आपके बना रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 55 से 60 वर्ष के बीच में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। यहाँ पे मछली का भी एक शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मछली का एक शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये आपका जो है केतु का क्षेत्र है दोनों, और केतु के क्षेत्र पे अगर मछली का साइन बनता है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति जन्म लेती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास को ये उत्पन्न करेगी, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक सुंदर और भव्य यात्रा का जीवन काल में मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर हम दूसरी अगर आपकी रेखाओं को देखें, इसको मिटा लेते हैं, आपकी एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इसकी ब्रांच जो है चंद्रमा पे जा रही है। चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं, धर्म का क्षेत्र इसे माना जाता है, यात्राएं इसी देखी जाती है, विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरी बात, शिपिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और फूड बिजनेस में अगर करियर आजमाते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा सफल होने की संभावना प्रबल रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, शिपिंग में और फूड बिजनेस में, इन तीन चीज़ों में यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता अर्जित करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा जो है वो 55 से 60 मैंने बता ही दिया है। और एक चीज़ और देखिएगा आप अपने जीवन काल में, जो आपकी ये भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे से फिर आगे जा रही है, मन जीवन काल के 48वें वर्ष से निश्चित रूप से किन्हीं दो स्रोतों से आपको धन का आगमन प्राप्त होगा। और ये रेखा अगर सुंदर और पुष्ट हो जाती हैं, हथेली में जो छोटी छोटी गौण रेखाएं इनको काट रही हैं, ये रेखाएं, ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन से निकल जाती है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक दिन आपकी जीवन में अच्छा खासा अर्निंग पैदा होगा। यहाँ पे आप देखोगे मस्तिष्क रेखा पे आपका, और यहाँ पे
इस तरह से जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग बना रही है, और यहाँ पे इस तरह से वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में, और इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। और जब चंद्रमा पे वर्ग बनता है तो कहीं ना कहीं देखेगा वर्ग के अलग अलग जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, और चंद्र क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो जो अगर हो तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति को ये बढ़ाता है। दूसरी बात अगर कहें, गंभीर और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला ऐसा व्यक्तित्व रहता है, ऐसा आपका रहने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्वतों की बात करें, पर्वतों के ऊपर चले तो अच्छा रहेगा। देखिएगा अंगूठे का नीचे का जो हिस्सा है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। परिवार का आने वाले समय में बहुत अच्छा सुख मिलेगा। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की यहाँ पे सुंदर भावना दिखाई दे रही है। ये थोड़ा अति बली अवस्था में है, क्योंकि आपका बृहस्पति जो है साधारण अवस्था में है आचार्य जी, और ये आचार्य जी ज़्यादा बली अवस्था में है, जिसके कारण थोड़ा मानसिक परेशानी का सामना आपको वर्तमान में करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। इसका आपको मानसिक रूप से भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। आपका अगर मंगल का हिसाब किताब देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसमें दिखाई दे रही हैं जो वर्तमान समय को इंगित कर रही हैं। वर्तमान में कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और मानसिक परेशानी, इन तीनों चीज़ों को आपका मंगल बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको ज़्यादा न बढ़ने दें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो शारीरिक विकार भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए जो है मंगल को जल्दी से शांत और साफ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे एक मंगल की रेखा 48वें वर्ष में दूसरे मंगल से युक्ति बना रही है, और जब ये युक्ति बनाती है स्पष्ट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, इसका फल तभी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं जो ये रियल इस्टेट का काम है, भूमि संबंधी काम है या ठेके संबंधी काम है, इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको फ़ायदा मिलने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। और देखिएगा भाग्य रेखा पे भी आपका जो है वर्ग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्य की रेखा की शक्ति को दुगुना करती है और करियर के मामले में व्यक्ति को उछाल देती, लेकिन देखो आपका डेवलपमेंट तभी होगा, तभी आपकी प्रगति आगे जाएगी जब आपके अंदर जो ये नेगेटिव ऊर्जा है ये बाहर आ जाएगी। अगर आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी अच्छे हों, कितने भी बढ़िया साइन बने हों, लेकिन जब तक ये ऊर्जा आपके अंदर रहेगी आपके डेवलपमेंट को, आपके करियर और धन के मामले में ये संघर्ष ही देगी और आपको रास्ता ये नहीं दिलवाएगी। इसलिए अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है, अपनी कार्यों का विस्तार करना है तो इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम देखें आपका जो है जो धन का ग्रह है, जो बृहस्पति जी हैं अभी साधारण भाव में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष नेगेटिव ऊर्जा के निकलने पे बहुत सुंदर रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रहा है यहाँ पे
अगर आप बहुत सुंदर तरीके से देखें तो यहाँ पे एक रेखा आ रही है और इस तरह से रेखाएं आके वर्ग का शानदार चिन्ह भी जो है आपकी बृहस्पति पे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जब वर्ग का चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर बना हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कुशल प्रशासक होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में भी जन्म लें तो भी अपने करियर के क्षेत्र में उच्च पद तक पहुंचते हैं और अपने पूरे समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में प्रसिद्धि कमाते हैं, सम्मान पाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में टीचिंग की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। सरल ढंग से समझें, अगर आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं और आपकी हथेली के गुरु पर्वत पर वर्ग का साइन है तो आप प्लम्बर के क्षेत्र में अच्छी टीचिंग दे सकते हैं, इतना नॉलेज आपके अंदर होता है। और कुशल प्रशासक के गुण होते हैं, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के दम पर व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। लेकिन इस साइन को ऊर्जा तब मिलेगी, तब ये एक्टिवेट होगा जब गुरु का पर्वत अपने भव्य अवस्था में आएगा। अगर गुरु का पर्वत साधारण रहा तो इसका फल नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देखें तो ये शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी हल्के रूप में करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें एक सीधी रेखा यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा इधर आ रही है, एक रेखा इधर आ रही है और कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेखाएँ हैं और ये यहाँ पर उभरा हुआ है। तो शनि वर्तमान समय में आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा पीछे धकेल रहा है और बेवजह की चिंताएं आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हल्के रूप से, आंशिक रूप से शनि का भी उपाय आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान है और ये बिना वजह की यदि चिंता देता है तो व्यक्ति को बाद में इस्तेमाल भी करवा सकता है और धोखे भी दिलवा सकता है, इस बात की गारंटी ज़्यादा रहती है। सूर्य अगर देखें, आपके अभी कितने भी साइन इसमें बन रहे हों लेकिन सूर्य पर्वत अभी कमज़ोर अवस्था में है, जिसके कारण अभी आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा न तो श्रेय मिल रहा है न क्रेडिट मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, जिस तरह से जो है विस्तार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए, काम बढ़ना चाहिए, उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। कुल मिला के बात करो तो जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए था वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जबकि आपके सूर्य पर्वत पे आप देखो एक रेखा यूँ जा रही है साफ सुथरी, एक रेखा यूँ जाके एक सुंदर त्रिकोण यहाँ पे बन रहा है। और सूर्य पर्वत पर अगर त्रिकोण हो और सूर्य का स्थान भव्य हो तो ये निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के बहुत बड़े पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। ये सूचना दे रहा है आपको कि आने वाले समय में लगभग 48वें वर्ष से इसका फल चालू हो जाएगा। अगर सूर्य अपने यथावत स्थिति में आ जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने बैठ जाएगा। ये व्यक्ति के धनी होने की निशानी है, धनी होने की सूचना दे रहा है। संभव है, असंभव नहीं होता है। जिसके सूर्य पर्वत पर इस तरह की निशानी हो ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि कमाते हैं। ये बहुत अच्छा साइन आपकी हथेली में है। एक छोटे रूप में देखें तो एक रेखा इस तरह से जाके और इस तरह से जाके एक स्टार का चिन्ह बना रही है। आगे अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर रूप से फिश का चिन्ह बना रही है। सूर्य पर्वत पे कमाल के निशान है। स्टार का चिन्ह होना इस बात का द्योतक होता है कि व्यक्ति जिस काम को करेगा उसमें सफलता अर्जित करेगा और बुलंदियों को छुएगा। फिश साइन का होना व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है और ये मछली जिस ग्रह पे बैठती है उसके अनुरूप फल देती है। सूर्य का मतलब होता है रोशनी, सूर्य का मतलब होता है एनर्जी, सूर्य का मतलब होता है विस्तार।
तो अगर फिस साइन सूर्य पर्वत पे हो और सूर्य पर्वत की ऊर्जा उसे विशेष रूप से मिल रही हो, तो व्यक्ति अपने रिस्पेक्ट क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो, उस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाते हैं, फेमसता हासिल करते हैं। ये बहुत सुंदर साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात ध्यान रखना, आपके सूर्य पर्वत पर अगर मछली है तो आप कभी निर्धन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सूर्य से उसे ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में जो ये तीनों साइन आपकी हथेली में बन रहे हैं, एक त्रिकोण बन रहा है, एक स्टार बन रहा है, एक फिश बन रही है, ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन इनको ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। एक प्राकृतिक उपाय दूंगा, प्राकृतिक कह रहा हूँ मैं, ना तो मैं पूजा पाठ के लिए कह रहा हूँ, ना किसी पत्थर को पहनने के लिए कह रहा हूँ, इसमें प्राकृतिक उपाय ज़्यादा कारगर रहेगा। और प्राकृतिक उपाय से ही ये पुष्ट और सुंदर होगा, तभी जाके इसके फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा जो है मछली का साइन यहाँ पे भी बन रहा है, और ये बुद्ध का क्षेत्र है, अभी पूर्ण रूप से नहीं बना लेकिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुद्ध क्षेत्र पे मछली का चिन्ह बनता है, और सूर्य भी आपका पुष्ट हो जाता है, धन का ग्रह आपका बृहस्पति अपने भव्य अवस्था में आ जाते हैं। तो जिस व्यापार को व्यक्ति करेगा, निश्चित तौर पे उस व्यापार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, ये इस बात का द्योतक है। यहाँ पे देखेंगे कई रेखाएं ऊपर की ओर जा रही, ये बहुत अच्छा साइन है बुद्ध पर्वत पे। अगर बुद्ध पर्वत पे इस तरह की रेखाएं हैं तो व्यक्ति जो है ओल्ड एज तक अपना अच्छा खासा धन अर्जित करता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है। ये व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालती हैं और व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञानी होता है और व्यापार के क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट होता है। लेकिन अभी जिस तरह से बुद्ध की स्थिति है, मध्यम स्थिति में जो है व्यापार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बहुत बड़ी रहेगी। आप देखो हृदय रेखा पे भी जो है यहाँ पे लगातार दो त्रिकोण बन रहे हैं, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा अचल संपत्ति का आप लाभ कमाएंगे। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा और एनर्जेटिक स्वभाव ऐसा रहेगा कि सामने वाले को अगर मिलेंगे तो सामने वाला अच्छा फील करेगा, ये बहुत अच्छी कला है। अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे देखा जाए, चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से ये क्षेत्र है कहीं ना कहीं वर्तमान समय में चिंतातुर अवस्था में ये दिखाई दे रहा है, आपके अंदर थोड़ी चिंता ज़्यादा है किसी चीज़ को लेकर के, और कहीं ना कहीं कामों में मन लगना थोड़ा कम हो रहा है, सोच इतना रहे हैं कि कामों में मन लगना कमज़ोर हो रहा है, मन गड़बड़ की अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है और मानसिक परेशानी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए दो चीज़ें आपकी करियर के क्षेत्र में ये बता रहा है। जिस तरह से जो है इस रेखा से निकलकर, जीवन की रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर ये जारी है, ये स्पष्ट है। ऐसे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और शिपिंग और फूड बिजनेस, खाने पीने का जो मामला है, इसमें व्यक्ति जो है बहुत अच्छा अपना करियर बना सकता है। यदि इसमें काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। दूसरा, आने वाले समय में आपकी जिस तरह से ये रेखा निकल करके भूमि संबंधित कामों में, जमीन जायदाद संबंधी कामों में, और रियल इस्टेट हुआ या आप कहें कि ठेकेदारी संबंधी कामों में, ये सफलता देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मध्यम स्थिति है, कम से कम 2.5 से 3 साल इसको लगेंगे पुष्ट और सुंदर होने पे। अभी रेखा पुष्ट और सुंदर नहीं है, जिसके कारण इसका फल आपको नहीं मिल रहा, लेकिन 2.5-3 साल इसको लगेंगे। तो ये दो क्षेत्र जो है, दो रेखाएँ आपको जो है करियर के मामले में साफ साफ बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और जिस तरह से ग्रह की स्थिति देखें, ग्रह की स्थिति में शुक्र आपका बली अवस्था में है, और शुक्र जब बली अवस्था में होता है
तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ, या शुक्र से संबंधित और भी व्यवसाय हुए, उसमें जो है व्यक्ति निश्चित तौर पे कामयाबी पाता है। लेकिन अभी एक चीज़ बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, अभी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी हथेली में जो ये संघर्ष की रेखाएं हैं, आपकी हथेली में जो ये नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है, ये थोड़ा संघर्ष दे रही है, आपके कामों में अड़चन देती हुई दिखाई दे रही है, आपके डेवलपमेंट को, आपके प्रोग्रेस को रोकी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, आर्थिक क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में कमज़ोर करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई और उलझन की स्थिति और तनाव की स्थिति पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। आप अगर अच्छा लगे तो करने की कोशिश करें, निश्चित ही उसका फल आपको प्राप्त होगा। अगर आपने अनुशासनात्मक ढंग से दिए हुए विधि के अनुसार किया तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।